दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब मैं राम का कार्य पूरा करने जा रहा हूं। तो मेरा अगला प्रश्न है, राम का कार्य किसे कहते हैं? गलत हो गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अगला प्रश्न है, राम का कार्य किसे कहते हैं? अरे राम, राम का कार्य, राम का कार्य किसे कहते हैं? बोले भगवान की आज्ञा मानना। अच्छा, भगवान आपको आज्ञा दे देते हैं? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, आपने यदि पुराणों की कभी कथा सुनी होगी, पुराणों की कथा, तो पुराणों की कथा में कहते हैं भगवान के मंदिर में जाना, तुलसी चन्नामृत लेना, भगवान का टीका लगाना, ये सब राम के कार्य हैं। पर यहां अगर वेदांत को जानने वाले कोई विद्वान बैठे हों तो वेदांत कहता है कि जीवन के कर्म क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रत्येक कार्य राम का कार्य। यू आर बिजनेस क्लास पर्सन, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो भी एक राम का कार्य है। यू आर सर्विस क्लास पर्सन, आप नौकरी करते हैं, वो भी एक राम का कार्य है। माता बहनें घर में रोटी बनाती है, वो भी एक राम का कार्य है। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वो भी एक राम का कार्य है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो जीवन के कर्म क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं वो प्रत्येक कार्य राम का कार्य है। और जब वो राम का कार्य पूरा हो जाने वाला होता है तो हमको क्या होती है? बड़ी, अरे बोलो तो सही, खुशी होती, प्रसन्नता होती है। तो हनुमान जी महाराज भी राम का कार्य करने गए थे, और उनके लिए राम का कार्य क्या था? सीता माता को लाना, खोज करना, सीता माता का पता लगाना, ये उनका लिए राम का कार्य था। और वो पूरा हो गया, लग गया पता, तो हनुमान जी महाराज भी बड़े क्या हुए? प्रसन्न हो गए, खुश हुए, और प्रसन्न होकर मन ही मन वो नृत्य करने लगे। तो आइए बालाजी महाराज कैसे नृत्य करते हैं, झांकी का दर्शन भाव से, आनंद से करें। कि छम छम नाचे देखो पीर हनुमाना, देखो वीर हनुमान, राम
विवेका सब हो बोल सोना इस सपना जी कहीं से ही करना सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी हर आरूड नगर दस सीसा मुंडित सिर कन सो दक्षिण दिशि जाई लंका मन हो विभीषण पाए जहाँ गई सकल तब सीता मन कर सोच पास दिवस बीते मुहे मारे निशितर को दर्शन किया रामचंद्र शंकर हरिओ किया राम ने जय हनुमान भवना बंकरारी रघु दशरथ अजर बिहारी सीत दयाल विरुद्ध सब भार हर हुनाथ मम संकट भारी सियापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम Bye.
दरु पिसले मन हु कसानो काल दिशा सब कुबलय पिपिन कुत बन सरिता वारी दि कपत तेल जनु बरिता जे ही करहे करत तहि पीरा उर्ग श्वास सब पीरा कहि उते कछु दुख कटि होई काहि कहौ यह जानन कोई सत प्रेम करु मम अर तो राजा रत प्रिया एको मोरा सो मन सदा रहत तोहि पाहि जानु प्रीति रस एते ही माही प्रभु संते सुनत बेदे भगन प्रेम तन जाही ताही एक क्षण मर जाए
गए हो नाग पास बागे जिल गए हो जातु नाम सुनो जपनी भवानी भव बंधन काटहि मुनि ज्ञानी दास दूत की बन दरवा कारज लगे कपि बंधन सुनि निज कर थाए कौतुक लागी सभा सब आए सुख सपाटी की कपि जाई कहीं न जाए कछु कपि मन जाए कर चोरी सुर तिथि पपि नीता लकुचि बिलोक सकल सभीता जय बुदापन कपि मन संका जिमि अज्ञान पही पिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद सुतबद सुरती की निपुनी उपजार रय विषाद लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रद्धालु भक्तजनों, हनुमान जी महाराज लंका नगरी में पहुंच गए और लंका नगरी में अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने अक्षय कुमार को पहुंचाया, अक्षय कुमार का उद्धार कर दिया। रावण ने मेघनाथ को पहुंचाया तो मेघनाथ ने ब्रह्मपास चलाया और हनुमान जी महाराज को ब्रह्मपास में बांध लिया और हनुमान जी महाराज ब्रह्मपास में पर बताओ हनुमान को आज तक कोई बांध पाया है क्या? हनुमान को आज तक कोई नहीं बांध पाया, पर हनुमान जी महाराज मेघनाथ के ब्रह्मपास बन गए। देखो बालाजी चाहते ना तो एक झटके में ब्रह्मपास को खंडन कर सकते, तोड़ सकते थे, पर बालाजी ने विचार किया कि यदि मैंने ब्रह्मपास का खंडन कर दिया तो मान मेरा नहीं, मान बूढ़े ब्रह्मा जी का भंग होगा। और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी महाराज ब्रह्मपास में बंध गए और वो वीर से क्या कहलाए, वो वीर से क्या कहलाए, वो वीर से क्या कहलाए, महावीर कहलाए। तो यह बड़ी संख्या में समाज की युवा पीढ़ी बैठी है, परिवार की बहु बेटियां बैठी है, मेरे प्रश्न का जवाब देना। यदि समाज हित का काम करना है, परिवार के हित का काम करना है और राष्ट्र के हित का काम करना है तो वीर बनकर करोगे कि महावीर बनकर करोगे? पीछे वाला को कोई मूड नहीं है? चलो समाज को छोड़ो ना, राष्ट्र को भी छोड़ो, खुद का अगर कल्याण करना है तो वीर बनकर करोगे कि महावीर? हाँ, खुद की बात करें तो हाथ ऊंचे हो गए। चलिए मैं सूत्र बताऊं, याद रखना, ये ढेंच चमड़े की जीवान से बोलने से काम नहीं चलेगा, महावीर है ना, करना पड़ेगा। और करना क्या है मैं सूत्र बता रहा हूं। कई माता बहनें हमारे पास आती और कहती, गुरुजी जब भी घर में हो काम रे, ब्याह रे, मांडो रे, शादी रे, हूं दौड़ी दौड़ी ने काम करूं, दौड़ी दौड़ी ने माथो दूं, पर मारे जस आज तक नहीं मिलो। तो परिवार में यदि यश कीर्ति चाहिए, ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। और जो युवा पीढ़ी बैठी है यहां, अगर समाज हित का, राष्ट्र हित का काम करने का मन हो तो ये सूत्र बता रहा हूं, अपना लेना। महावीर बनकर आप भी समाज में पूजे जाएंगे, आपको भी यश कीर्ति मिलेगी। और करना क्या है, आज हम यहां पर दबाड़िया परिवार के इस नवीन ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड पारायण महामंत्र जाप कर रहे हैं। आज एक संकल्प लेकर जाना, और संकल्प क्या लेना है, अगर महावीर बनना है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलने दो। आप चाहते हो कि हम भी समाज में इसी प्रकार पूजे जाएं तो सूत्र लेकर जाना। कल सुबह से अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका मन वचन और कर्म से सम्मान करना प्रारंभ कर देना, आप महावीर बनकर समाज में पूजे जाएं। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप करना। कितनी बेटियां ऐसी बैठी जो मम्मी का कहना नहीं मानती, हाथ ऊंचा करो, एक दो तीन, चलो चार, हां कोई और दो चार और होंगे यहां। कितनी बहुएं ऐसी है जो सासू का कहना नहीं मानती, मैं हाथ ऊंचे नहीं करवाऊंगा। याद रखना, अगर